हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज मॉल में आप लोगों का स्वागत है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, आज ये जीके में ज्वार भाटे के बारे में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और जो कि अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं सब क्वेश्चंस को मैंने आज दिया है। और आज मैं इसकी डिटेल नहीं बताने वाली हूँ, डिटेल एक मैं ज्वारभाटा की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल में कि ज्वारभाटा का फुल डिफिनेशन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं SSC रेलवे वगैरह में सब पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं। तो मेरे वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जितने वीडियो हैं जो आप देखते हैं उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि ज्वारभाटा का मुख्य कारण क्या है। ज्वारभाटा का मुख्य कारण है कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है उसी के कारण ज्वारभाटा होता है। दूसरा है कि उस गति का नाम बताएं जिसके कारण समुद्री जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस गति का नाम है ज्वारभाटा। नंबर तीसरा है कि पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में ज्वार कितने बार आता है, तो ज्वार कितने बार आता है पूरे दिन में, तो दो बार आता है। एक ज्वार के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ज्वार के बाद दूसरे ज्वार कितने समय के बाद आता है, तो एक ज्वार आने के बाद जो दूसरे ज्वार आने का समय लगता है तो वो होता है 12 घंटे और 26 मिनट के बाद दूसरा ज्वार आता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने का समय, यानी कि जब एक बार ज्वार आ गया तो कितने समय के बाद भाटा आएगा, तो भाटा आता है आपका 6 घंटा 13 मिनट के बाद। तो ये है आपका भाटा आता है 6 घंटा 13 मिनट के बाद। अब सबसे जरूरी चीज आप लोग के मन में, या फिर जानते भी होंगे या कुछ लोग जो नहीं जानते हैं कि ज्वार भाटा है क्या, तो ज्वार क्या है कि समुद्र का पानी, समुद्र का जो पानी होता है एक दिन में दो बार एक निश्चित समय अंतराल पर ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे की ओर गिरता है। तो इस प्रकार जो समुद्र के तल के ऊपर उठने की जो क्रिया है, जो इस तरीके से ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठने को हम ज्वार कहते हैं और उसके नीचे उतरने की जो क्रिया होती है उसे हम भाटा कहते हैं। और एक चीज है कि जो खुले सागर होते हैं, खुले सागर में यह जो उतार चढ़ाव होता है यह ज्यादा उठता नहीं है, ज्यादा मीटर मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है और इसलिए यह आसानी से नहीं दिखता है। बट यह महाद्वीपीय सागर जो होते हैं उसमें यह उतार चढ़ाव कम से कम 10 से 15 मीटर तक होता है कि उतने ऊपर यह उठता है, और इसीलिए महाद्वीपीय सागर जो होते हैं वहां हम ज्वार को आसानी से देख सकते हैं। और फिर नीचे जब आता है उसका लेयर तो उसे हम लोग कहते हैं भाटा। तो इस क्रिया को आप महाद्वीपीय सागर में आसानी से देख सकते हैं। तो यही हो गया आपका कि एक ज्वार यानी कि एक बार जो ऊपर उठने की क्रिया है, और फिर चूंकि अभी बताया गया कि एक दिन में कितने बार, दो बार ज्वार आता है, तो एक बार ज्वार आने के बाद कितने बार, कितने समय बाद दूसरा आएगा, तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद। और दूसरा है कि ज्वार के बाद जैसे लेयर ऊपर उठा, फिर कितने देर के बाद भाटा यानी कि कितने देर के बाद वह लेयर फिर नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा कब हुआ, 6 घंटा 13 मिनट के बाद। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ ज्वार किस दिन आता है, तो दीर्घ ज्वार किस दिन आता है, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है कि लघु ज्वार कब आता है, एक दो प्रकार का है आपका ये कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, तो दीर्घ ज्वार आएगा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन और लघु ज्वार आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि दीर्घ ज्वार आने के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त है, दीर्घ ज्वार जो आता है, जो अभी मैंने बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मतलब कि कौन सी स्थिति उपयुक्त है, तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में हो जाते हैं, तीनों एक सीध में बिल्कुल एक लेयर में, तो उस टाइम समय क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है। और वह कौन सा दिन हो सकता है, अमावस्या या पूर्णिमा। अब देखिए,
अब है कि नेक्स्ट है कि लघु ज्वार आने के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का समकोणिक, जब वह समकोणिक बन जाता है इस तरह से, तब उसमें क्या होता है कि लघु ज्वार आता है। और वह कौन कब आता है? तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन आता है। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक की देन है? तो सबसे पहले दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, कौन करता है? ये प्रगामी तरंग का जो सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कौन करता है? तो ज्वार भाटा करता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? यह आता है फंडी की खाड़ी में। और यह फंडी की खाड़ी कहाँ है? तो यह है कनाडा में। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है उसमें सबसे अधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के अधिक निकट होती है। नेक्स्ट है, समुद्री धाराओं की दिशा किससे प्रवाहित होती है? तो यह प्रभावित होती है ज्वार भाटा से। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह किया है विलियम वेबेल ने। कि ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति के संबंध में जितने, मतलब कि प्रगामी तरंग का जो सिद्धांत है, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि प्रगामी तरंग सिद्धांत की उत्पत्ति का व्याख्या कौन करता है, तो यह करता है ज्वार भाटा। और यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने था? तो यह किया था विलियम वेबेल ने। नेक्स्ट है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है, यानी कितने समय का अंतर होता है? तो होता है 24 घंटा 52 मिनट। नेक्स्ट है कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है, जो मैंने अभी तुरंत बताया है कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है, यह है कनाडा में। और फंडी की खाड़ी में क्या खास बात थी? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार वहीं आता है फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी कनाडा में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है न्यू ब्रॉसविक तथा नोवा स्कोसिया के मध्य यह स्थित है। नेक्स्ट है कि समुद्री धाराओं की दिशा किससे प्रभावित होती है? तो समुद्री धाराओं की दिशा प्रभावित होती है ज्वार भाटा से। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह होता है साइनोडिक मंथ के द्वारा। नेक्स्ट है, मिश्रित ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है कि एक दिन में दो ज्वार तथा दो भाटा जब आता है तो इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित ज्वार भाटा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी थोड़ी और टाइम लगेगा उसमें क्वेश्चंस को और अरेंज करने में, चूँकि मैं उसमें डिटेल बताने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे जल्द ही दूंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।